नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कठुआ से देखने को मिल रही है लगातार, आप देखिए रंजीत सागर डैम में जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, अब फिर यहां बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। रंजीत सागर झील से को पायलट की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। पायलट AS बाप का शव मिलने से यहां उम्मीद की नई किरण जगती हुई नजर आ रही है। अंडर वाटर व्हीकल की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट का शव मिल गया है और 3 अगस्त को रंजीत सागर झील में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसी वक्त से लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे थे, जिसमें नेवी ने भी अपना भाग दिया था। NDRF और SDRF की टीमें भी वहां पर तैनात थी और लगातार अभियान जो है वो छेड़ कर रखा गया था, लेकिन बिल्कुल मायूसी जो है वो हाथ लगती हुई नजर आई थी। आज बड़ी अपडेट जो है वो कठुआ से देखने को मिली है, जहां पर रंजीत सागर डैम से को पायलट की तलाश के लिए अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया गया है और पायलट AS बात का शव मिलने से किरण जो है उम्मीद की जगती हुई नजर आ रही है। यानी यहां पर हेलीकॉप्टर को बरामद करने की पूरी तरह से कवायद जो है वो छेड़ी गई थी। अंडर वाटर व्हीकल की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से पायलट का शव बरामद कर लिया गया है और 3 अगस्त को यह बड़ी घटना पेश आई थी, जिसमें यह भी बताया जा रहा था कि आखिर कहां से उड़ान भरी गई है और कहां तक लैंडिंग होनी थी, इसके बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं सामने आई थी और कितने लोग मौजूद थे यह भी जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब आप देखिए कि पिक्चर किस तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक पायलट के शव बरामद होने की खबर सामने आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से पिछले काफी दिनों से यानी 3 अगस्त को यह मामला देखने को मिला था, जहां पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था डैम के अंदर और उसी वक्त से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन अब यहां को पायलट का शव मिलने की वजह से कहीं ना कहीं ये उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है कि जितने भी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर शामिल थे अब उन्हें यहां बरामद कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि लगभग 12 दिन यहाँ पर हो चुके हैं सर्च ऑपरेशन और जितने भी लोग इस रुद्र चॉपर में ये क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिस यहाँ पर रंजीत सागर झील में, और उसको लेकर लगातार पिछले 5 दिनों से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जितने भी पॉइंट जो दो सवार थे उनकी उनको लेकर यहाँ पर सर्च जो है वो चलाया जा रहा है NDRF की मदद से, नौसेना की मदद से, वायुसेना की मदद से। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय सेना की मदद से यहाँ पर लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा था, लेकिन 12 दिनों के बाद आखिर कामयाबी जो है वो सेना को हासिल हुई है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो इसमें पायलट बताए जा रहे हैं उनका शव जो है वो 80 मीटर पानी के डीप में जाकर यहाँ पर बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी भी को पायलट जो है वो मिसिंग है। SSP कठुआ ने ट्वीट कर जानकारी जो है कल शाम को ही साझा करी थी। एक जो पायलट है हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ जानकारी इस हवाले से मिली है? जी बिल्कुल, जो सेना के सूत्र हमें जानकारी दे पा रहे हैं वो इनका ये कहना है कि 2 लोग इसमें सवार थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के थे, जिनका शव कल देर शाम जो है वो बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी एक को पायलट वो यहाँ पर मिस किया, जिनको लेकर लगातार राहत और बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि जब से ये इस जो चॉपर है ये यहाँ पर क्रैश हुआ है उसके बाद जो लापता पायलट है वो पायलट है उनको लेकर लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा था। कई टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं और अब सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा गति देने के लिए एडवांस टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं। जी अगर ज्यादातर अगर बात करें तो नौसेना की टीम जो है यहाँ पर पहुंची सर्च ऑपरेशन को यहाँ पर चलाए हुए है और विशाखापट्टनम से विशेष टीम का दस्ता जो है वो कल शाम ही पठानकोट पे लैंड हुआ था, जिनको आज सुबह बसोली इलाके में पहुंचना था, यहाँ पर यह पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो आज सुबह ये टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जितना भी जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, बचाव राहत कार्य का यहाँ पर चल रहा है, उसको और ज्यादा गति की जिस तरह से एडवांस टीमें जो है वो यहाँ पर चलाई गई है। सरबजीत, ये बताइए कि जो को पायलट का शव बरामद हुआ है, क्या उनके परिवार वालों को ये सौंप दिया गया अभी तक? आगे की क्या प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सेना के जो सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है जब से ये चौपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो भी इसमें पायलट और को पायलट उनकी फैमिली जो है लगातार संपर्क आए हुए थे और ये बताया जा रहा है कि वो ममोन आर्मी एरिया में यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन कल
यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल का यहाँ पर शव बरामद हुआ है, तो उसको भी देर शाम जो है मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट शिफ्ट कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स जो है उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से रंजीत सागर डैम के अंदर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से चला दिया गया है। विशाखापट्टनम से यहां टीम जो है वो पहुंची हुई है और रापू दूसरे जो पायलट हैं उनका भी शव बरामद करने की पूरी कवायद यहां पर तेज कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं क्योंकि श्रीनगर में भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अब सियासत जो है वो चरम पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी ने अपने स्तर पर विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और परवेज अहमद भट्ट यहां श्रीनगर के जिला प्रधान बनाए गए हैं। राहुल अहमद को अमीरा कदल की कमान सौंपी गई है, यानी अब आप देखिए कि किस तरह से विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पीडीपी पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है और अब एक एक करके मीटिंगों का दौर भी शुरू कर दिया गया है क्योंकि नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जिसमें महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो साफ तरीके से ये कहती हुई नजर आई थी कि इस बार पार्टी की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो युवाओं के कंधों पर रखी जाएंगी और साथ ही साथ नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पीडीपी के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर विधानसभा चुनावों की ये तैयारियां करती हुई नजर आ रहे हैं और नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परवेज अहमद भट्ट श्रीनगर के जिला प्रधान बनाए गए हैं और साथ ही साथ राउत अहमद की अगर बात करें तो राउत अहमद को यहां अमीरा कदल की कमान सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि परवेज अहमद भट्ट जिला श्रीनगर के अंदर किस तरह से काम करते हैं, कितना पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और उसके साथ ही अगर बात की जाए राउफ अहमद को लेकर जिन्हें अमीरा कदल की कमान सौंपी गई है तो ये किस तरह से पूरा काम वहां पर करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त पीडीपी पार्टी पूरी तरह से अपना जनाधार बटोरती हुई नजर आ रही है। एक एक करके बयानबाजी भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से पहले देखने को मिली थी, लेकिन अब आप देखिए कि पार्टी की रणनीति किस तरह से तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब पार्टी जो है वो अपने आप को किस तरह से जमीन पर उतारेगी ये देखने वाली बात है क्योंकि नए चेहरों को सामने रखने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से पहले ही यहां महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की अध्यक्षता है करती हुई नजर आती हैं हर वक्त और उन्होंने साफ तरीके से ये कहा था कि इस वक्त यहां वो युवाओं के तरफ ही ध्यान देने की कवायद शुरू कर चुकी है और युवाओं को लेकर काम करना बहुत जरूरी है। नए चेहरों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, नए चेहरों को पार्टी में लाया जाएगा, शामिल किया जाएगा और ज्यादातर ये भी देखा गया कि किस तरह से सीनियर लीडर्स जो है वो पीडीपी पार्टी से किनारा करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी अब एक बार फिर आप देखिए कि पीडीपी के हवाले से किस तरह से एक और बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिली है, जहां पर नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिन लोगों को ये संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन पर एक भरोसा यहां पर जताया गया है। लेकिन ये सब लोग पार्टी के भरोसे पर कितना कायम उतरेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं पीडीपी पार्टी अपनी पैठ बनाती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। सैयद तजमुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तजमुल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से रणनीति जो है वो तैयार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ रणनीति यहां पर तैयार की गई। बाकी जगहों पर तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जनरल सेक्रेटरी नायब सदर और सीनियर लीडर जो हैं तो पीडीपी ऑफिस बाकी ऐसे नगर में इस वक्त मौजूद हैं और आज की इस तकरीब के कबल जो बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई गुलाम नबी लोन हाजिरा ने आपसे कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंतखाबात के हवाले से कल लाल किले की तब्दील से दिए गए बयान पर कहा कि बीजेपी या कोई भी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कल जो तिरंगा सरनेमी रखा गया था उस पर कोई एतराज नहीं है, न पीडीपी कभी उसके खिलाफ था। लेकिन इंतखाबात किस वक्त होंगे किस तरह से होंगे पीडीपी बिल्कुल तैयार है, सीधे चलते हैं हाजिरा साहब के पास आते हैं और उनसे देते हैं। हाजिरा साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया इंतखाबात के लिए तैयारी करें, आप किस तरह से देखें? मैं आपको पीडीपी का हमारे मुख्यमंत्री से यह बहुत कहा है कि हम इलेक्शन से हटने हैं, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन जो हालात इस वक्त है हमारी जम्मू कश्मीर में उससे ये लगता है कि अभी दूर दूर तक इलेक्शनों का हिसाब नहीं है क्योंकि डिजिटेशन कमीशन जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देता जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा तब ही इलेक्शन लेना हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ये डिजिटेशन कमीशन बनाया है और बड़ी वेट कर रहे हैं उसका। तो मुझे लगता है कि ये जो जमुनियत का जमुनी हुकूमत का कोई मुस्वाद नहीं हो सकता है जो यहाँ इस वक्त लोग चल रहे हैं, अच्छी चल रहे हैं
अफसरों के ऊपर जो चल रहे हैं उत्पादन के भी डुप्लीकेट का नहीं हो सकता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहे और ये नहीं है कि हम उससे पीछे भाग रहे हैं, इलेक्शन के उससे पीछे भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके। तो जब सवाल कीजिए कि पीडीपी पार्टी ने इस वक्त अपनी रणनीति को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है, उन्होंने कहा कि नए चेहरों को सामने लाया जाएगा, युवाओं के लिए काम होगा। प्रेजेंट साहब का ऐलान हुआ है कि अब की बार जो है युवा सामने आ जाएगा और पीडीपी के साथ जो है अच्छे उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। किस तरह से आप देखते हैं ये बड़ा चैलेंज? मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी पार्टी ने हमेशा वेलकम किया है जो यूथ है, जो हमारे नौजवान है, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और यहाँ पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। हम हमेशा उनका वेलकम करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ का यूथ जो है। तजमुल, सवाल कीजिए कि अगर जिस तरह से विधानसभा चुनाव होते हैं, पीडीपी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहने वाला है, घोषणा पत्र क्या रहेगा? जो मैनिफेस्टो होगा इंतखाबात में किस तरह का होगा? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो हम मैनिफेस्टो बनाएंगे कि क्या होगा। डिलिमिटेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन ने जिस तरह से काम किया है उसके बाद जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने ये क्लियर कर दिया था कि एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जहां पर आम लोग अपना सुझाव दे सकते हैं और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही यहां पर की जाएगी। डिलिमिटेशन मैं आपको एक बार बताऊंगा कि हिंदुस्तान की हर रियासत में 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। ये अगर जो ये प्रयास डिलिमिटेशन का जोर किया, सिर्फ जम्मू और कश्मीर ने किया, क्यों किया ये हो जाने, लेकिन हमारा ये मौका है कि डिलिमिटेशन कमीशन हम नहीं चाहते। हम ये चाहते थे कि यहाँ पे जो उन्होंने किया है 5 अगस्त 2019 के अंदर कुछ नहीं है, किसी के लिए जो इन्होंने दफा 3 को हटाया, 3 को हटाया, उसका मुतबादल डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि डिलिमिटेशन उनका काम है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हमने इसलिए 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सुनाया गया था वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। जी जी, आशा आप सवाल पूछें। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सुनाया गया था जिसमें धारा 370 को संशोधित किया गया था वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, जिसे लेकर बार बार पीडीपी जो है वो बात करती हुई नजर आ रही है। मैं यही कहता हूँ कि उसको चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है और इनको एहतराम करना चाहिए था उसका, क्योंकि सब कुछ इस मामला है। इनको डिलिमिटेशन प्रोसेस यहाँ तब तक शुरू नहीं करना चाहिए था जब तक सुप्रीम कोर्ट का। आज की जो बैठक थी वो किन मुद्दों को लेकर रही? जिस तरह से इन्होंने साफ कह दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो 2026 में मुल्क में करना था हदबंदी का, जम्मू कश्मीर में कबल वक्त कराया गया और इसलिए उन्होंने उसमें ऐसा नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त याचिका है उस पर चैलेंज उन्होंने किया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर के उस तकरीब के तनाजुर में आप देख पाएंगे कि एक बड़ी तकरीब जो है पीडीपी ऑफिस में हुई है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज वगैरह है उनको जिम्मेदारी दी गई। गालिबन इसका मतलब ये है कि जब भी होंगे। क्या लगता है तजमुल कि यहां पर जिस तरह से दो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक को जिला श्रीनगर से और अमीरा कदल से, क्या लगता है कि जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उस पर कितना खरा उतरेंगे ये लोग? देखिए, खड़ा उतरना तो आवाम का रद में देखना पड़ेगा कि अमीरा कदल में किस तरह के हालात ठीक करेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में खुर्शीद आलम के पार्टी छोड़ने के बाद हाजी परवेज को जो जिम्मेदारी मिली है, हालांकि काफी टाइम तक इजाफी चार्ज जो था वो स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कौशिक के पास था, लेकिन उसके बाद क्योंकि 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, मुझे लगता है कि परवेज से बड़ी जिम्मेदारी आई है और साथ ही साथ अमीरा कदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए पीडीपी ने कबल वक्त जो इंचार्ज है उनका ऐलान किया। देखने वाली बात होगी आवाम का रदम और आवाम का मैंडेट आपकी बार किस तरह जाता है। चलिए तजमुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह तजमुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब आगे आने वाले समय में रणनीति जो है वो पीडीपी पार्टी यहां तैयार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नए चेहरों को इस वक्त मौका दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। अब देखना यह होगा कि ये सब लोग कितना भरोसे पर कायम उतरते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं क्योंकि सांबा से भी अब बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है और विजयपुर में ट्रक से 101 किलो भूकी भी बरामद की गई है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर यहां भूकी जब्त कर ली है और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पुलिस जो है वो सक्रिय होती हुई नजर आ रही है और बड़ी कार्यवाही को यहां पर पुलिस ने अंजाम दिया है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। विजयपुर में ट्रक से 101 किलो भूकी बरामद की गई है और पुलिस ने दो तस्करों को भी यहां
गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से तस्करी के मामले जिला सांबा से देखने को मिले हों। इससे पहले कठुआ के अंदर से भी यहां पशु तस्करी के मामले सामने आए थे। अब जिस तरह से जिला सांबा के अंदर से खबर निकलकर सामने आई है तो सवाल यह निशान जरूर बनता है कि आखिर इतनी खेप लेकर प्रवेश द्वार को किस तरह से इन्होंने पार किया है, वहां पर सिक्योरिटी रीजन क्या कुछ चल रहा है, सिक्योरिटी रिव्यू किस तरह से चल रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल अब यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो भूकी है वो 101 किलो है जो बरामद की गई है जिला सांबा के अंदर से, विजयपुर के अंदर से यहां पर यह बरामद हुई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि प्रवेश द्वार लखनपुर को क्रॉस कर विजयपुर तक इतनी बड़ी खेप कैसे पहुंच गई और उसके बाद अगर नाके पर चेकिंग होती है तो वहां पर यह जब्त होती है, उससे पहले पोस्ट पर क्यों गाड़ी को नहीं रोका गया, आखिर वहां पर बरामदगी जो है वो क्यों नहीं हुई। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले यह बताइए कि सफलता तो पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लखनपुर जो प्रवेश द्वार लांघ कर ये लोग विजयपुर तक पहुंच गए। देखिए बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूंगी, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूंगी, ये जो खेप थी ये कश्मीर घाटी की ओर से लाई जा रही थी और इसे पंजाब की ओर ले जाने का प्रयास इन नशा तस्करों द्वारा किया जा रहा था और पुलिस को शक हुआ लगा था, जिस तरह से काफी ज्यादा जो ट्रकों की तादाद है वो नेशनल हाईवे पर बढ़ती जा रही है तो पुलिस ने 15 अगस्त को देखते हुए लगातार ये जो अभी चेकिंग का अभियान है लगातार चलाकर रखा है और पुलिस को शक हुआ कि शायद इसमें कुछ इस तरह का इलीगल शायद एक्टिविटी कर, ये जो ट्रक आ रहे थे लोग जिसमें स्मगलर बैठे हुए थे, इलीगल एक्टिविटी के कश्मीर से विजयपुर तक पहुंचने के लिए भी आप देखिए बीच में कितने नाका आए हैं, कितने पोस्ट आई हैं। कश्मीर से जब आप निकलते हैं काजीकुंड है, बनिहाल है, रामबन है, उसके साथ बटोत है, ये पत्नी टॉप है, उधमपुर नाका है जहां पर पुलिस बहुत बड़े बड़े दावे पेश करती है कि जखैनी मोड़ पर एक बहुत ही हाईटेक नाका जो है वो बनाया गया है जहां पर सीसीटीवी फुटेज भी लगाई गई है और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो बहुत ही बातें वहां पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी विजयपुर के अंदर पहुंच जाती है इतनी बड़ी खेप। देखिए बिल्कुल ये सवाल ये निशान जरूर है कि कहीं ना कहीं ज्यादा नाके कर ये विजय तक पहुंचा और इसमें जो बता दें कि गत्ता लोड किया हुआ था, गत्ते की आड़ती ये बहुत बड़ी थी जो भुक्की की बरामद की गई है, 1 क्विंटल से ज्यादा ये खेप थी और जो ड्रग स्मगलर थे जो ड्रग पैडर्स को भी गिरफ्तार हुए लेकर कश्मीर पंजाब की ओर जा रहे थे। लेकिन बड़ी सवाल बड़ी बात यह है कि अगर अलग पॉइंट पर कैमराज लगे हुए तो क्यों पाला नहीं गया, क्यों इनके अच्छे नहीं किया जाए। लेकिन बता दें कि पुलिस को जब इनपुट मिलता है और उसी इनपुट के आधार पर पुलिस काम करती है और उसके बाद एक्शन में आती है और इसी तरह से ये एम जो अस्पताल बन रहा है विजयपुर में उसके नेशनल हाईवे पर ये ट्रक को रोका गया और चेकिंग के दौरान इसमें ये सबसे बड़ी खेप जो भुक्की की बरामद की गई और दोनों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पुलिस एक तरफ काम कर रही है कि हम नशे को समाज से पूरी तरह से खत्म करेंगे, नशा तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को तेज किया हुआ है। लेकिन सवाल आखिर यह है कि चाहे लखनपुर की बात करें कि लखनपुर से इलीगल जो मटेरियल है वो जम्मू कश्मीर में किस तरह से पहुंच जाता है और कश्मीर घाटी से अगर ये बाहर तक मटेरियल जा रहा है, पंजाब की ओर जा रहा है या दीगर अलग अलग स्टेट की ओर जा रहा है तो वहां पर सवाल ही यही है। दो ही रूट हैं, अगर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करना है तो लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस करना है, वहां पर चेकिंग क्या कर रही है पुलिस, ये बहुत बड़ा सवाल। दूसरी तरफ कश्मीर से अगर यहां पर कोई चीज लाई जा रही है तो रास्ते में इतनी पोस्ट हैं, इतने नाके हैं, वहां पर क्या चेकिंग हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी अगर विजयपुर के अंदर ये खेप पहुंच रही है तो जाहिर तरीके से सोचिए कि हथियारों का जखीरा भी यहां तक पहुंच सकता है और कई तरीके से आपने देखा कि आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए बिल्कुल आशा सही कहा आपने, इससे पहले भी कई ट्रक जो है वो कश्मीर घाटी को जब असेंशियल सप्लाई लेके जाते हैं और लगातार आतंकवादी अपने OGW यहाँ पर तैयार कर रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स को तैयार कर रही है और इससे पहले भी हथियारों की खेप ट्रकों के माध्यम से कश्मीर पहुंच चुकी है और कश्मीर के रास्ते से यहाँ पर कई ऐसी इलीगल सामग्री है जो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती है। यानी एक तरफ पुलिस दावा करती है कि हम क्राइम को खत्म करने में लगातार एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें कामयाबी हाथ में मिल रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो लूप होल्स रह जाते हैं जिसके ऊपर काम करना काफी जरूरी रहता है उस पर काम नहीं किया जाता और कहीं ना कहीं वो चीज घातक साबित हो जाती है। चाहे हथियारों की खेप जब घाटी में पहुंच जाती है तो किस तरह से खून खराबा वहां पर होता है आतंकवादी द्वारा जो खून खराबा किया जाता है और इसी तरह से जो युवा है समाज के उनको भी लगातार इसमें नशे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास जो है ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, चाहे नार्को टेररिज्म की हम बात करें या टेररिज्म की हम बात करें, लगातार पाकिस्तान इसे बढ़ावा दे रहा है और इलीगल ये मटेरियल जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या लगता है ऋषि कि अलग अलग जगहों पर जो नाके लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, कुछ ऐसे नाके भी होने चाहिए जहां पर व्हीकल स्कैनर होना बहुत जरूरी है कि अगर गाड़ी वहां से निकल रही है तो पूरा पता चलना चाहिए कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं?
बिल्कुल आशा, अगर क्राइम को खत्म करना है और इस तरह के आतंकवादियों की जो गतिविधियां की जाती है उसके ऊपर अगर नकेल रखनी है, उसके ऊपर अगर नजर रखनी है, तो इस तरह के स्कैनर्स लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो बड़े नाका पॉइंट है, जब आप कश्मीर से निकलते हैं, जब आप लखनपुर से निकलते हैं, तो इन बिटवीन जितने भी नाका पॉइंट आते हैं वहां पर कैमराज लगा देने चाहिए। और इसमें बड़ी बात यह है आशा कि जो जिस नाका पॉइंट पर इस ट्रक को पकड़ा गया है वो नाका काफी बड़ा है और उसे काफी अच्छे से इस्टैब्लिश किया गया है। एम्स अस्पताल के बाहर वो नाका लगा हुआ है और वहां पर पूरी तरह से हर सुविधा वहां पर लगाई गई है। यहां आपने कैमराज का जिक्र किया, वहां पर कैमराज भी लगाए गए हैं और धीरे धीरे उसे इस्टैब्लिश किया जा रहा था, शायद वहां पर चैनल भी लगाए जाएंगे। लेकिन यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस जिस तरह से अच्छा काम कर रही है इस काम को, क्योंकि काफी समय से होम मिनिस्ट्री के अंदर ये रिक्वेस्ट डाली गई है कि यहाँ व्हीकल स्कैनर जो है वो लगाए जाने चाहिए। महज ज्यादातर आप देखिए कि स्कैनर्स अगर लगते हैं तो कहीं ना कहीं क्राइम पर भी रोक लगेगी, क्योंकि जो गाड़ियां पशु तस्करी करती हुई नजर आई हैं, ऋषि आपने पिछले दिनों देखा होगा स्कॉर्पियो गाड़ियां 207 गाड़ियां, उसके साथ ही साथ टैंकर के अंदर भी पशु तस्करी के मामले सामने आए, तो जाहिर तरीके से अगर यहाँ व्हीकल स्कैनर होता तो शायद इस तरह से घटनाओं को रोका भी जा सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें पुलिस करती है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस करती है, तो शायद काफी हद तक लगाम स्मगलिंग के ऊपर लगेगी या इलीगल जो धड़ल्ले से हथियारों की खेप घाटी तक पहुंचाई जाती है, इसके ऊपर काफी ज्यादा लगाम लगेगी। और मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं कि प्रशासन को या सरकारों को इसमें संज्ञान लेना है, बैन लगाना है स्मगलिंग पर या जो पशु तस्करी की जाती है, तो ये अपने आप ही रोक लग जाएगी। जब इस तरह की चीजें इस तरफ आएंगी तो स्कैनर के जरिए वो स्कैन हो जाएगा, पूरा का पूरा जो गाड़ी होगी वो स्कैन हो जाएगी, तो साफ तौर पर जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है ऋषि, उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए फिलहाल उनसे पूछताछ लगातार जारी है, एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हो चुका है, दोनों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ये बड़ी खेप मुझे लगता है कि इससे पहले ड्रग्स की भी 1 किलो जो ड्रग्स थी वो पकड़ी गई थी जिला सांबा में ही, और वो भी करोड़ों रुपए की वो ड्रग्स थी। और इसी तरह से जो भुक्की की आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खेप है, तो कितने युवाओं को ये अपनी चपेट में लेंगे ये स्मगलर, ये काफी सोच विचार करने की जरूरत है। और ये तो एक तरफ यहाँ पर पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है ऋषि, जिसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन सवाल भी सुरक्षा व्यवस्था पर ही उठता हुआ नजर आ रहा है कि कश्मीर से विजयपुर तक ये खेप कैसे पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर से ये खेप लाई जा रही थी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब भी इस तरह के तस्करी के मामले सामने आते हैं तो लखनपुर पर भी सवाल या निशान उठता है, जो कि प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, और साथ ही साथ कश्मीर से अगर ये खेप लाई गई है तो जगह जगह पर जो नाके लगाए गए हैं, हाइटेंड जो एक फैसिलिटी जो है वो बताने की कोशिश की गई कि मॉडर्नाइजेशन हो गई है, वो कहां पर हुई है ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे, किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर हुआ है। किश्तवाड़ की सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। गुलिस्तान न्यूज पर खबर चलाने के बाद यहां प्रशासन जो है वो हरकत में आया है और हादसों को दावत दे रहे थे ये आवारा पशु, जो सड़कों पर घूमते हुए अक्सर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चैनल की तरफ से ये खबर प्रसारित हुई है उसके बाद पूरी तरह से प्रशासन जो है वो हरकत में आया और इस पर काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट कि गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे थे आवारा पशुओं की वजह से, अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगती हुई जरूर नजर आएगी। दोनों साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किश्तवाड़ से, जहां पर आप देखिए कि पहले किस तरह से पशु जो है वो रास्ते के अंदर ही मौजूद रहते थे, बैठे रहते थे, लेकिन अब प्रशासन ने इन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया है। और गुलिस्तान न्यूज पर जब ये खबर प्रसारित की गई है उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने यहां काम करना शुरू किया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब भी प्रशासन हरकत में आता है तो उससे पहले खबर चलाई जाती है और उसके बाद संज्ञान यहां पर लिया जाता है। इससे पहले ही अगर पूरी तरह इलाके की रेकी की जाए, छानबीन की जाए, संज्ञान लिया जाए, तो जाहिर तरीके से लोगों को फायदा जरूर हो सकता है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से आप ही ने खबर प्रसारित करवाई थी, लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं जागता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल आशा, देखिए बड़ी बात लोगों ने ये कंप्लेंट है कि यहाँ पर जो आवारा जानवर है, आवारा तो नहीं कह सकते, पालतू जानवरों को दूध लेके बाहर छोड़ दिया जाता था, मालिक उनका कोई ध्यान नहीं रखते थे, जिस वजह से कई हादसे हो रहे थे। तो जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में नजर आया, खासकर जो म्यूनिसपैलिटी किश्तवाड़ है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और हमेशा उंगलियां खड़ी रहती हैं कि आंखें मूंदे बैठा है ये, चाहे गंदगी का मामला हो या एनक्रोचमेंट का मामला हो या ये आवारा पशुओं के घूमने का मामला हो, तब आप कहीं ना कहीं उनकी आंख जाती है जब हमने स्टोरी ब्रेक की है। क्या लगता है कि जब चैनल पर खबर प्रसारित की जाती है उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, उससे पहले ही प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है कि कहां पर आम लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है और उस पर काम किया जाए?
जी बिल्कुल, जैसे एक अधिकारी का जो दायित्व है खाली करप्शन पैसे खाने से नहीं होती, अपना काम ना करने को भी हम करप्शन बोलते हैं। तो आज यहाँ पर यह स्थिति है कि लोग अधिकारियों के साथ कंप्लेंट करने के बजाय आप हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा ये इशू है, अधिकारी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसको खबर को करो। और अब जब ये खबर कर रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं ग्राउंड पर दिख रहा है और लोगों के काम हो रहे हैं। तो ये इसी प्रकार की स्टोरी जब हमने किश्तवाड़ टाउन को लेकर की थी, तो अब कहीं ना कहीं जो आवारा जानवर सड़कों पे घूम रहे थे, पालतू जानवरों को दूध लेके सड़कों पे छोड़ा जा रहा था, उसकी घटनाएं कम हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब म्युनिसिपैलिटी ने चेताया है कि अगर वो अपने घरों में इनको नहीं बांध कर रखेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन बेहतर होता कि प्रशासन अपनी जो कंसर्ट एजेंसीज है वो पहले ही इस पर एक्शन लेते। लेकिन ठीक है, हमारी खबर का ही असर दिखा है। अजय, क्या लगता है कि इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एलजी प्रशासन की तरफ से उन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की गई कि इन लोगों का एक मसौदा तैयार किया जाए, जो लोग अपनी कुर्सी पर तो बैठते हैं लेकिन कार्यप्रणाली को सही से अंजाम देते हुए नजर नहीं आते? जी बिल्कुल, जो डेडवुड को लेके कार्रवाई हो रही है वो इसी को लेके हो रही है कि कुर्सी पर तो बैठते हैं लेकिन जो दायित्व उनको दिया गया है उसका वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से पब्लिक में क्राइसिस बन रही है और अल्टीमेटली और सरकार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार के डेडवुड कई किश्तवाड़ में भी देखने को मिल रहे हैं। देखना होगा कि आगे जाके क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह के लोग कई किश्तवाड़ में देखे जा रहे हैं जो कुर्सियों पर तो बैठे लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आप देखिए कि प्रशासन के लोग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जिन लोगों को कुर्सी दी गई है बैठने के लिए, यानी जो अफसर हैं यहाँ पर, जितने भी ऑफिसर रैंक के लोग हैं, उन्हें अपने काम को अंजाम देने की काफी जरूरत है कि अगर आम लोगों को कोई समस्याएं वहां पर झेलनी पड़ रही हैं तो उस पर किस तरह से संज्ञान लिया जाए, वो उन्हें यहां पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे। बीएसएफ के डीजी एसएस देसवाल ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि बीएसएफ हालात पर नजर बनाए हुए है, और इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा के उस पार की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। डीजी बीएसएफ ने कहा कि यहां बीएसएफ हर चुनौती का सामना करने को बिल्कुल तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि बीएसएफ पड़ोसी देश से हुए समझौते का पालन करती है और बीएसएफ की ओर से भी कभी भी इन समझौतों का उल्लंघन नहीं किया जाता। और ये बात डीजी एसएस देसवाल ने सुचेतगढ़ की भारत पाक सीमा पर स्थित ऑक्ट्राई पोस्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा डीजी बीएसएफ के जो लेजर अलार्म सिस्टम है इसको लेकर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लेजर अलार्म सिस्टम के 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिन पर काम चल रहा है। और इसके अलावा डीजी बीएसएफ ने और क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, चैलेंज तो हमेशा किसी न किसी रूप में रहता है और हम ट्रेन है हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, हर प्रकार के चैलेंज को मीट आउट करने के। तो चैलेंज आएंगे और हम भी अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएंगे। तो आज के दिन भी यही स्थिति है कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की हमारी पूरी की पूरी ताकत है। क्योंकि अटैम्प्ट तो जो बहुत लंबे टाइम से होते रहे लेकिन हमने उनके सारे के सारे अटैम्प्ट को फेल किया है रेगुलर। देखिए, हर इश्यूज में आपस में बातचीत की जाती है, उठाई जाती है, जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं वो बायलेटरली जब तक डील होंगी हम पूरे का पूरा शांतिपूर्वक उसको डील करेंगे और जितने जरूरत पड़ेगी जो है अभी और हर प्रकार की जो है एग्जाम। देखिए, हम जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं पड़ोसी देश के साथ, उनको हम बड़े आदर से निभाते हैं एक देश के तौर पर। तो बायलेटरल एग्रीमेंट अभी सीज़फ़ायर की है तो उसमें हमारी तरफ से कोई वॉलेशन नहीं है और हम कोशिश करेंगे जब तक हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट है उसको बहुत ही अच्छे नियत से निभाएंगे। लेकिन हमारा पूरा का पूरा जो अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी नज़र है और जो हमें ज़रूरत है जो एक्शन लेने की उसके लिए हम तैयार। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।